गाइस स्वागत है और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है प्रीतम फिटनेस ब्लॉग्स पे। और काफ़ी दिन से वीडियो आया नहीं, तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो बनाना छोड़ दिया है। मेरा इंजरी हुआ था, तो इंजरी से मैं रिकवर कर रहा था इसीलिए। और रिकवर से याद आया कि मैंने एक क्रिएटिन ला रखा है अभी, और अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ फॉर 30 डेज़। तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता है। बाकी इसके बहुत फॉल्स र्यूमर्स है कि इससे किडनी अफेक्ट होता है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कंट्रोल डोज लेंगे कुछ नहीं होगा। 3 ग्राम इज़ एनफ फॉर एनीवन, कोई भी 3 ग्राम यूज़ कर सकता है दिन में, और मैं भी 3 ग्राम यूज़ करने वाला हूँ। बाकी ये एक साइकिल रहेगा मेरा 30 डेज़ के लिए, फिर मैं ऑफ़ कर दूँगा। फिर 6-7 महीना मैं कुछ भी नहीं लूँगा, क्रिएटिन नहीं लूँगा उसके बाद फिर से। तो मैं गैप कर करके यूज़ करता हूँ। आप कैसे करते हो वो डिपेंड करता है आप पे, बट ट्राई टू डू इट इन अ सेफ वे एंड ओवरडोज ना करें इसका। बट वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है ये। जितने रिसर्च प्रोटीन पे नहीं हो रखा है उससे ज़्यादा इसका है क्रिएटिन का। तो आज करेंगे बैक का वर्कआउट जिम में, एक तगड़ा बैक का वर्कआउट लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, बने रहना। चलो स्ट्रेट बैक इन द किचन। और वर्कआउट बहुत ही अच्छा हुआ था एंड पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम अभी हो चुका है, और मैं अभी बनाने वाला हूँ ओट्स, जो कि बहुत डिलीशियस होता है अगर आप उसमें थोड़ा फ्रूट्स ऐड कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे अगर आप रहोगे उससे कुछ नहीं होगा, वो अपने पिक पर नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसको भी सपोर्ट चाहिए जो कि है आपका मिल। तो वो लेते रहो, उसको स्किप मत करना एंड ठीक है, अच्छे से वर्कआउट करो, अच्छे से रहो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। ये वीडियो बहुत सिंपल होगा आई नो, बट ये कमबैक है मेरा फिर से, क्योंकि इंजरी था तो मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी इट्स ओके मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ठीक है, बाय।